उसको मैं देख ही नहीं सकता कि वो, मतलब जब आपके साथ वो रहती है तो बहुत सारी मस्ती चलती है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और मैं हूँ आपकी सूची। लाइक थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि लाइक बहुत सारे दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही है। तो मतलब बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि क्यों नहीं आ रही है मैम, प्लीज़ बताओ। जो बच्चे हैं वो भी कमेंट कर रहे थे कि लाडू कैसी है, कुछ हुआ है क्या उसको, क्या हॉस्पिटल में है क्या, आप अभी वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो मैं इसीलिए डिमांड ऑफ और सब्सक्राइबर्स की मैं वीडियो लेके आई हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लाइक मैं जहाँ पे भी रहती थी ना, मतलब महाराष्ट्र में जो धाराशिव बोल के डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे रहती थी, कलम करके तालुका है, तहसील है, वहाँ पे रहती थी। तो मैं एज एन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर करके पोस्टेड थी, लेकिन अभी मेरा जो और शिफ्टिंग हो गया है, मतलब कि मेरा एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है, तो अभी मैंने शिफ्ट किया है लाइक कैंसर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल, ये छत्रपति संभाजी नगर में, महाराष्ट्र का ही एक ये है ना, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग हो गया है। तो लाइक अननोन सिटी है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। लाइक मेरा ऑर्डर तो 28 को ही आ गया था, तो मैं 28 को ज्वाइन किया है, लेकिन यहाँ पे जैसे न्यू सिटी है, मैं कैसे अरेंज करूँगी, क्या करूँगी। गवर्नमेंट के क्वार्टर्स रहते हैं, लेकिन अभी तक वो अलॉट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम बाहर फ्लैट देख रहे हैं। तो फ्लैट का भी अरेंजमेंट चल रहा है, तो 8-10 दिन से तो वीडियो नहीं आ रहा है। और बहुत ये अलग जोन है, मेरे न्यू ज्वाइनिंग है, न्यू लोग हैं, बहुत सारी प्रोसेस है। और एक वो है कि सर के पास मैंने मेरे उसी वाले फ्लैट में लाडू को रखा है, तो वो एक अलग सीन है कि पता नहीं, मतलब मैं ना एक क्या बोलूँ क्या नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अगर मतलब पेट पेरेंटिंग करते हो, आप उसकी जिम्मेदारी लेते हो ना, तो बहुत अलग बात होती है कि मैं इतना उससे अटैच हूँ। मैं यहाँ पे देख, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे ना मेरी सिस्टर के घर पे हूँ। तो सिस्टर के घर में मेरी सिस्टर है, मेरी जीजू है और दो बच्चे हैं, पृथ्वी है और वीरू है, दो बच्चे हैं। मैं आने के बाद ना वही लाडू 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 करती हूँ, मैं इतना रोती हूँ, तो मेरे को पास में बैठ के समझाते हो कि हाँ बाबा ले आएंगे लाडू को, हम कर लेंगे अरेंज, हम देख लेंगे फ्लैट। तो एक तो वो सीन है, दूसरा ये सीन है कि हम जहाँ पे भी जो ओनर के पास जाते हैं रूम देखने के लिए, फ्लैट देखने के लिए, तो मेरा तो वही रहता है कि लाइक सिटी में ना अपार्टमेंट लेते हो आप या रेंट पे, मतलब कि तो डॉग कैसे संभाले, पेट कैसे घर में रखे, डॉग कैसे संभाले घर में, कि वो पता नहीं सोसाइटी में कोई उसको इनसिक्योरिटी हो गई, उसने किसी को देख लिया तो भौंकेगा, तो फिर झगड़े आएंगे या फिर वो बोल देंगे आप घर खाली कर दो करके, तो बहुत सारा लगेज होता है वो शिफ्ट करना। तो इसीलिए हम ऐसा फ्लैट ढूंढ रहे हैं और जो उसको सही लगे, वो अच्छे से रहे, उसका टॉयलेट ट्रेनिंग हो, या वो उसको टॉयलेट के लिए, सुपोर्ट के लिए हम आराम से सेफ्टी जगह देके और घूमने के लिए उसको जगह मिले, हमारे वीडियोस बनाने के लिए अच्छा सीन हो। आप बहुत सारे, मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ लेके आऊँगी, तो इसके लिए मैं ऐसे लोकेशन देख रही थी। तो मेरे हॉस्पिटल के जो एक सर है, मतलब हमारे सीनियर सचिन सर बोल के, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लोकेशन पे एक फ्लैट दिया है रेंट में, मतलब बताया है उन्होंने, उनके शायद कुछ तो फ्रेंड का है, तो फिर हमने कल डिसाइड किया है। और अभी तो घर में मम्मी पापा को भी काम रहता है शिफ्टिंग के लिए, तो वो सब देख के वो परसों के दिन आ रहे, शिफ्ट हो रहे हैं, लाडू को ला रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तो चलो 8-10 दिन में, 15 दिन में सेटल हो ही गया है ऑफ कोर्स मोस्टली, लेकिन मैं ना ये 15 दिन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ की, मतलब मैं यहाँ पे लाडू तो वहाँ पे ही थी सर के पास, मैं यहाँ पे आई तो लिटरली मैं ना दिन में 5-10 बार रोती थी, उसको वीडियो कॉल करती थी,
मेरे हमारे जो यूट्यूब पे वीडियो है वो देख देख के मैं रोती थी कि यार मतलब वो अलग रहता है उनका, मतलब जो पेट पेरेंट है ना वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। इतना ना लाडू 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 वही सब जिंदगी में वही सब है। सब सब बोलते हैं ना कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में लोग मैटर नहीं करते क्या, कौन इतका डॉग को केयर करता है, कौन इतका डॉग के लिए क्रेजी होता है। और जब रूम देखने जाती थी रेंट पे भी तो ओनर भी ऐसे देख के बात करते थे कि हाँ ये क्या है आप, मतलब आपके लिए लैविश नहीं देखना है, आपके लिए कंफर्ट नहीं देखना है, बेडरूम का साइज़ नहीं देखना है, किचन का ट्रॉली नहीं देखना है, लेकिन आपको आपको कुत्तों को कहाँ पे घुमाएंगे, आप आपके डॉग को कहाँ पे रखेंगे, वही आप डिमांड करते हो और वही आप देखते हो। तो वो हंसते भी थे लेकिन वो फिर पता चल जाता है कि यार वो उतना मैं कनेक्टेड हूँ उसके साथ। कि अगर ये बात बहुत अजीब होती है कि अगर आप किसी की जिम्मेदारी लेते हो ना तो आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, आप सब चीज़ों से कनेक्टेड हो जाते हो यार, आप नहीं रहते, आप उसके हो जाते हो। प्यार यही चीज़ है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ यहाँ पे। और फाइनली अभी तक फ्लैट देखा है, अभी हुआ है कंफर्म, तो खुशी बस इसी बात की है कि लाइक वो मतलब उसको एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं वहाँ पे रह रही थी कलम में वो भी रेंट पे ही था, तो उससे अच्छा यहाँ पे मिलेगा उसको एनवायरनमेंट कि यार सिटी है पोल्यूशन है उसको कहाँ डिस्कम्फर्ट नहीं लगे। अभी तो वो एक साल की भी नहीं है, 15-20 साल उसकी लाइफ होती है, जर्नी होती है, तो उसको कुछ दिक्कत ना आए, इसी वजह से अभी सब सेट किया है। और यहाँ पे भी चलो अच्छा है, मेरे सिस्टर का घर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मैं रोती हूँ लाडू लाडू करती हूँ तो बोलते हैं यार ये देख बड़ा वाला टीवी है वहाँ पे, तू आराम से उसको देख लिया कर और नहीं तो वीडियो कॉल किया कर, लेकिन रो मत, मुझे पता है क्या कनेक्टेड कनेक्शन होता है पेरेंट पेट के साथ अपने डॉग के साथ, तो वो देख लिया कर लेकिन रोना मत। यहाँ पे लिटरली वो बैठ के मेरे को समझाते हैं, देखो उसकी इतनी याद आती है ना, लाइक मैं रात के 2-2, 4-4 बजे तक उसके वीडियो देखती हूँ कि कैसी करती थी कैसे रहती है। और अभी भी जैसे वीडियो कॉल करके बात करते हैं ना तो सर बताते हैं कि मैम आप नहीं हो ना, तो वो इतनी फीकी पड़ जाती है कि लाइक मतलब वो पता चल जाता है बातें कि ना वो बोलते हैं कि आपके अलावा उसको मैं देख ही नहीं सकता, कि वो मतलब जब आपके साथ वो रहती है तो बहुत सारी मस्ती चलती है, आप उसको इतना खिला पिला के प्यार से बड़ा किया है, वो तो मेरे हाथ से भी खाना नहीं खाती। बीच बीच में ना उसने 2 दिन तक खाना भी छोड़ दिया था कि मैम आप कुछ तो करो लेकिन इसको लेके जाओ। उसको भी उनको भी डर लग रहा था कि अब क्या होगा अगर ये खाना नहीं खाएगी, तो मतलब लिटरली ऐसी बातें हुई थी। फिर वो क्या करते हैं, वो ना वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल में ना मैं उसको बोलती हूँ हाय मिला बाबू हाय मिला शोना करके, फिर वो खाना खाती है, तो वो भी बहुत मुरझाई हुई है सॉरी। तो अभी अभी का तो सीन सही है क्योंकि वो तो उनके हाथ से खाना भी नहीं खा रही है, तो घर में जो उनके मम्मी पापा है ना वो उनको गोदी में बिठा के खाना खिलाते हैं 2 टाइम, तो वो भी ऐसे बोलते मम्मा आएगी बेटा 2 दिन में हमें उसके पास जाना है, वो देख लो मम्मा आ गई, इतना खाना फिनिश कर लो फिर मम्मा आएगी, और फिर वीडियो दिखा के बातें करा के फिर वो खाना खिलाते हैं। तो अभी हाँ सब कुछ सेट हो गया है, मैं वही वेट कर रही हूँ कि लाडू कब आएगी मेरे पास और कब हम बहुत मस्ती करेंगे और कब हमारी ढेर सारी बातें होंगी। तो हाँ वो आ रही है, अभी फ्लैट कंफर्म हुआ है और फिर देखेंगे कि
और मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मतलब वो जब से पैदा हुई है तब से मेरे से ना, जब से लाया है तब से वो दो दिन तो हम रह लेते हैं बाहर, मतलब वो मेरे को छोड़ के, लेकिन 15 दिन का ये जर्नी है। वो कैसे रह रही है ये भी पता है मेरे को। अभी आने के बाद मैं वो वीडियो बनाऊंगी कि फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है उसका, वो क्या क्या बताएगी मेरे को कि कहाँ पे गई थी, क्या गई थी, तो मैं वो भी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और बात कुछ ये मुझे इस वीडियो से आपको यही बताना था कि बात कुछ ऐसे नहीं है, और आप टेंशन मत लो, हमारी लाडू ठीक है, बहुत अच्छी है। बस यही शिफ्टिंग का, जॉब का यही सब टेंशन था, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। तो अभी ना रेगुलरली वीडियो आएंगे, लाइक मैं डे आफ्टर टुमारो ये शिफ्टिंग कर लूँगी तो उसके बाद आएंगे वीडियो। और आप भी प्रेयर करो लाडू के लिए कि वो भी सही रहे, अच्छी है और अच्छी रहे करके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव रिगार्डिंग लाडू एंड मी। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।